सब्सक्राइब कीजिए बियर क्राफ्टिंग चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें और देखिए फैशन एंड होम मेकिंग वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बियर क्राफ्टिंग में। तो आज के इस वीडियो में मैं पार्टी वियर लॉन्ग गन बनाना बताऊंगी आपको। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने देखिए 3 मीटर का रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है, साथ ही मैंने 1 मीटर का ये प्लेन रॉ सिल्क का फैब्रिक लिया है स्लीव बनाने के लिए। ये हमारी लाइनिंग है, ये भी 3 मीटर है। और यहाँ पे गले पे मैं डिज़ाइन बनाऊंगी बोट नेक, साथ ही घेर में मैं लेस लगाऊंगी, पाइपिंग लगाऊंगी और ये पैच वर्क भी करूंगी फ्रंट साइड में गाउन में अपने। अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले अपना मेज़रमेंट देखते हैं गाउन का। तो गाउन की जो लेंथ है वो 55 इंच है, शोल्डर 15 इंच है, चेस्ट 40 इंच, वेस्ट है 38 इंच और स्लीव की जो लेंथ होगी वो 16 इंच होगी। तो पहले हम अपनी घेर की कटिंग करेंगे इस वाले फैब्रिक से। तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर पार्ट और फिर घेर वाले पार्ट। तो जो अपर पार्ट होगा हमारा वो 16 इंच का होगा, तो 55 में से 16 इंच माइनस कर देंगे तो 39 इंच की हमारी लेंथ हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अपनी घेर की कटिंग करते हैं। तो गाउन के घेर की कटिंग करेंगे पहले। तो इसके लिए मैंने यह फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लिया है, देखिए उल्टे साइड से। अभी इसे हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे, फिर अपनी मार्किंग और कटिंग करेंगे। हम इसे ट्रायंगल शेप में ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर यहाँ से अपनी मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो ट्रायंगल शेप में हमने फैब्रिक को 4th फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से पहले हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट है हमारा 9.5 इंच, तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा 10 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है। अब हम ऊपर से भी देखेंगे ये बराबर है या नहीं। तो ये 12.5 इंच पे आ रहा है। तो ऐसे 12.5 इंच पे हम ऊपर से नीचे तक ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ वेस्ट का जो हमने निशान लगाया है, यहाँ से हम नीचे अपने लेंथ का निशान लगाएंगे। तो लेंथ है हमारा 39 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे हम सिलाई के लिए, तो 40 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर से ऐसे बराबर कर करके हम 40 इंच पे पूरे घेरे में निशान लगा लेंगे। अब इसे शेप कर लेंगे राउंड में। तो देखिए ये जो 2 लेयर है हमारा, यहाँ पे फैब्रिक कम है तो जो नीचे की तरफ से हमारा फैब्रिक आएगा वो यहाँ पे अटैच करके हम इस घेर को बराबर कर लेंगे। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये नीचे जो हमने घेर का निशान लगाया है इसे भी हम काट लेंगे। तो देखिए गाउन के घेर की कटिंग हो गई। अब हम इसे अपने लाइनिंग के ऊपर रख के और लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे। तो हम गाउन के अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अपर पार्ट की जो लेंथ है वो 15 इंच है और 1 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई के लिए लेंगे, तो 16 इंच पे निशान लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से पहले 16 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर है 15 इंच तो 7.5 पे एक निशान लगा लेंगे। तो यहाँ से 6.5 इंच पे हम आर्महोल का निशान लगा लेंगे, देखिए यहाँ पे। चेस्ट है हमारा 10 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे ही फोल्ड किया है। ये बैक पार्ट का आर्महोल है और ये फ्रंट पार्ट का आर्महोल थोड़ा अंदर की तरफ होगा। अब इसे हमें बोटनेक बनाना है।
यहाँ अंदर की तरफ से 4.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसकी गहराई हम 3 इंच रखेंगे। अब इसे शेप कर लेंगे। यहाँ शोल्डर की तरफ 1/2 इंच डाउन करेंगे। चेस्ट है हमारा 11.5 इंच, पर मैं यहाँ पे बराबर ही ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे एक प्लेट डालनी है। तो इधर से पहले 3.5 इंच पे एक निशान लगाएं और ऊपर से 10.5 इंच पे। तो यहाँ हम 1 इंच की प्लेट डालेंगे फ्रंट पार्ट में। तो हमारे अपर पार्ट की देखिए मार्किंग हो गई। अब हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे प्लेट के निशान को ऐसे लगा लेंगे। यहाँ साइड से फ्रंट और बैक पार्ट को अलग करके और फिर फ्रंट पार्ट के आर्महोल की ये गहराई दे देंगे। तो देखिए बैक पार्ट को यहाँ से हमने निकाल लिया है। अब ये आर्महोल का शेप देंगे फ्रंट पार्ट में। तो ये फ्रंट पार्ट में हम 2 प्लेट्स डालेंगे, एक यहाँ पे 1 इंच की और एक यहाँ पे। तो थोड़ा सा हमारा ये वेस्ट पे कपड़ा कम हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बराबर कटिंग की थी चेस्ट की। और 1 प्लेट हम यहाँ पे देंगे ऊपर की तरफ ये आर्म होल के पास। 3 इंच का है ये प्लेट, ये आर्म होल के पास बिल्कुल ऐसे। तो देखिए फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब इसको हम लाइनिंग के ऊपर रखकर लाइनिंग की भी कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम अपने स्लीव की कटिंग करेंगे। तो अब स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव के लिए यहाँ मैंने अलग सा फैब्रिक लिया है टाफेटा सिल्क। तो यहाँ से अपनी सिल्क की पहले लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ है 16 इंच, जिसमें कि हम 3 इंच की गाउन वाली जो फैब्रिक है उसकी पट्टी लगाएंगे। तो ये 13 इंच हो जाएगा और 1 इंच सिलाई के लिए। तो 14 इंच पे निशान लगाएंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। यहाँ नीचे की तरफ से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और इसे मिला लेंगे। यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब इसे शेप कर लेंगे यहाँ से राउंड शेप। तो देखिए घेर की हमने ऐसे लाइनिंग कटिंग कर ली है और ये अपर पार्ट की भी लाइनिंग कटिंग कर ली है और ये स्लीव की भी लाइनिंग कटिंग कर ली है। तो सबसे पहले ये घेर को लाइनिंग से अटैच करेंगे हम वेस्ट लाइन से। उसके बाद फिर हम अपर पार्ट में बैक और फ्रंट साइड को लाइनिंग से अटैच करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टिचिंग। तो देखिए घेर को लाइनिंग से हम अटैच करेंगे। आप चाहे तो इसके बीच में किन भी लगा सकती हैं। अब हम अपने दूसरे घेर में भी लाइनिंग को वेस्ट लाइन से अटैच कर लेंगे। अब हम अपर पार्ट में लाइनिंग को अटैच करेंगे। तो देखिए सीधे वाले हिस्से को अंदर की तरफ रख के और फिर लाइनिंग को इसके ऊपर रख के और हम पहले गले की सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे पलट के और हम सीधे की तरफ सिलाई लगाएंगे। इसके बाद आर्म होल और इधर हम लाइनिंग को अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम अटैच कर लेंगे लाइनिंग को अपने मेन फैब्रिक से। तो गले पे सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो कट्स लगाने के बाद इसे हम सीधे की तरफ पलट लेंगे और यहाँ ऊपर पे एक प्रेस सिलाई लगा के गले को फिनिश कर लेंगे अपने यहाँ पे।
तो गले की सिलाई लगाने के बाद हम साइड में और ये आर्महोल में अटैच कर लेंगे लाइनिंग को। तो देखिए लाइनिंग अटैच करने के बाद नीचे की तरफ जो हमने प्लेट्स के निशान लगाए हैं उसे हम सिल लेंगे। यहाँ आर्मोल के पास जो प्लेट का निशान लगा है उसकी भी सिलाई लगा लेंगे हम। तो देखिए फ्रंट पार्ट में हमने लाइनिंग को अटैच कर लिया, गले को फिनिश कर लिया और प्लेट्स भी डाल लिए हैं हमने। आप चाहे तो यहाँ पे पैड भी अटैच कर सकती हैं। मैंने ब्लाउज में पैड अटैच करने का वीडियो पहले ही दिखाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक चेक करें। अब हम इसी तरीके से बैक पार्ट में भी पहले गले की सिलाई लगाएंगे, फिर लाइनिंग को चारों तरफ से हम अटैच कर लेंगे। अब स्लीव के किनारे पे ये मैंने 3 इंच की पट्टी काट रखी है, इसको अटैच करेंगे। इसके बाद हम अपनी लाइनिंग को अटैच करेंगे स्लीव से। तो देखिए स्लीव के किनारे पे मैंने यहाँ पे पट्टी अटैच कर ली है। दूसरे स्लीव में भी हम पट्टी को अटैच कर लेंगे पहले, फिर लाइनिंग को अटैच करेंगे। देखिए स्लीव को हम लाइनिंग से अटैच करेंगे, तो लाइनिंग और स्लीव के बीच में पाइपिंग को ऐसे रख के अंदर की तरफ, और फिर हम अपनी स्टिचिंग लगाएंगे किनारे पे। तो देखिए स्लीव को हमने लाइनिंग से अटैच कर लिया है। अब इसे सीधा करके देखिए ये हमारी पाइपिंग अंदर की तरफ चली गई है। अब हम ऊपर की तरफ यहाँ पे एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे और चारों तरफ से अपनी लाइनिंग को स्लीव से अटैच कर लेंगे। तो देखिए स्लीव पे हमने पाइपिंग अटैच कर लिया, उसके बाद लाइनिंग भी अटैच कर लिया हमने, तो स्लीव की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे बीच में हम एक पैच लगाएंगे इसको डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से। तो इसकी सिलाई लगा लेंगे हम चारों तरफ से, दोनों स्लीव पे हम ऐसे ही करेंगे। अब देखिए हम अपर पार्ट और लोअर पार्ट यानी कि घेर को अटैच करेंगे। तो उससे पहले एक स्लीव की मैचिंग की मैंने 3 इंच की पट्टी काटी है, पहले उसको यहाँ पे बीच में अटैच करेंगे इन दोनों के बीच में, और पाइपिंग भी लगाएंगे डेकोरेट करने के लिए इस तरीके से, और फिर यहाँ भी पाइपिंग लगा के, और फिर हम ऐसे इन दोनों को एक साथ अटैच कर लेंगे। इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा। तो चलिए स्टिच करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए अपर पार्ट में पहले हम लाइनिंग को बीच में रखेंगे, फिर इस पट्टी को ऊपर की तरफ रख के और सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए बीच में पाइपिंग आ जाएगा, उसके बाद हम ऊपर की तरफ ऐसे एक प्रेस सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ फिर हम पाइपिंग को यहाँ बीच में रखेंगे और अपनी घेर को यहाँ ऊपर की तरफ रख के और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए ये अटैच करने के बाद इस पाइपिंग को हम ऐसे नीचे की तरफ रख कर और इसके ऊपर पट्टी के ऊपर हम अपनी प्रेस सिलाई लगा लेंगे एक बार और, जैसे हमने ऊपर की तरफ लगाया है। तो देखिए अपर और लोअर पार्ट को ये पट्टी और पाइपिंग लगा के हमने अटैच कर लिया है, तो आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। अब इसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी पट्टी लगा के और पाइपिंग लगा के हम अपर लोअर पार्ट की स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए शोल्डर को मैच करके फिर हम अटैच कर लेंगे। देखिए शोल्डर को अटैच करने के बाद यहाँ शोल्डर के ऊपर की तरफ भी एक हम प्रेस सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। अब दूसरा शोल्डर भी हम अटैच कर लेंगे। तो शोल्डर अटैच करने के बाद अब हम अपने स्लीव को अटैच करेंगे। तो देखिए स्लीव के सेंटर से शोल्डर को ऐसे मैच करके यहाँ पे, और फिर हम स्लीव की सिलाई लगा लेंगे।
तो दोनों स्लीव को स्टिच करने के बाद अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए स्लीव से लेके पूरे नीचे तक हम अपनी सिलाई लगा लेंगे। तो स्लीव से लेके अपर पार्ट में जितनी हमारी फिटिंग है उतनी ही रखेंगे। घेर के नीचे सिलाई लगाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 इंच की तिरछी पट्टी काट रखी है। तो इसको पहले हम सीधे की तरफ ऐसे अटैच करेंगे यहाँ पे और फिर इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके और ऐसे अपनी फिनिशिंग देंगे गाउन की। तो घेर में पट्टी लगा के घेर को फिनिश करने के बाद हम पूरे घेर में नीचे की तरफ ये मोती वाली लेस को लगाएंगे और अपने गाउन को कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इस पट्टी को स्टिच करने के बाद इसको उल्टे साइड में ऐसे फोल्ड करके यहाँ ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे।